रात के समय में पेड़ पौधों के पास चमकते हुए जुगनुओं को तो हर किसी ने देखा होगा, लेकिन उनमें ये चमक आखिर आती कहाँ से है आप शायद ये बात नहीं जानते हो। तो आपको बता दूं कि ये सब होता है जुगनू के शरीर में हो रही एक केमिकल रिएक्शन की वजह से। इनकी बॉडी में प्रेजेंट कैल्शियम, एडिनोसाइन, ट्रिफोस्फेट और ल्यूसिफेरिन एसिड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद रोशनी पैदा करता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। ये जीव हमारी तरह फेफड़ों से सांस नहीं लेते, बल्कि इनकी त्वचा पर बारीक नलिकाएं होती हैं जिनकी मदद से ये सांस ले पाते हैं। जुगनू की तरह चमकने वाली तकरीबन 1000 प्रजातियों के जीव मौजूद हैं, जिनमें से कुछ धरती के ऊपर है तो कुछ समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। और रोचक बात तो ये है कि मादा जुगनू के पंख नहीं होते, इसीलिए वे एक ही जगह पर बैठी रहती हैं। और मादा जुगनू अपने पार्टनर का चयन चमकने की तीव्रता के आधार पर ही करती हैं। नंबर 2, दोस्तों आपने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन तो चलती हुई जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने वहाँ लोगों को सब्जियाँ बेचते हुए देखा है? आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये बात एकदम सच है। ऐसा ही एक रेलवे ट्रैक पर मौजूद है थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। ये है मैकलोंग रेलवे मार्केट, जहां से दिन में कई बार ट्रेन होकर गुजरती है। ऐसे में वहां के लोग ट्रेन आने से कुछ मिनट पहले अपने सामान को ट्रेन की पटरी से कुछ दूर ले जाते हैं और ट्रेन के जाते ही अपना सामान पटरी पर वापस लाकर अपना कामकाज सामान्य रूप से शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर काफी आश्चर्य होता है। नंबर 3, दोस्तों आपने बहुत से अजीबोगरीब शौक के बारे में सुना होगा, और ऐसा ही एक अजीबो शौक रखते हैं गेविन मुनरो। इन्हें पेड़ों के आकार की कुर्सियां बनाने का बहुत ही अजीब सा शौक है, लेकिन वो कोई साधारण कुर्सी नहीं बनाते। इन्हें कुर्सी को बनाने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। और इस तरह की ट्रीज शेयर्स को बनाने का विचार उनके मन में तब आया जब एक बार उन्होंने अपनी माँ के बनाए हुए आंगन में एक पेड़ को देखा जो बिल्कुल एक सिंहासन की तरह दिखाई देता था। तब मुनरो ने उसे कुर्सी की शेप में काटने का सोचा और एक साल बाद वो प्रयोग करने में सफल हुए। तब उन्होंने इस चीज का बिजनेस करने की सोची और प्लास्टिक के सांचो की मदद से बहुत से पेड़ों को कुर्सियों में तब्दील करने में सफल रहे। और जैसे जैसे मुनरो का बिजनेस बढ़ने लगा, उन्होंने हर तरह का फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया। नंबर 4, अब जरा एक बार नजर डालिए इस चीज पर और बताइए कि आखिर ये है क्या। देखने में तो ये कुछ कुछ हमिंग बर्ड की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये कोई बर्ड नहीं बल्कि ये एक तरह का प्लांट है जिसे पहली बार देखने वाला व्यक्ति बर्ड समझने की भूल कर बैठता है। इस प्लांट का नाम है क्रोटालारिया कनिंघामी। अगर आपको इस प्लांट को देखने की इच्छा हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। इसके अलावा ये प्लांट दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलता। नंबर 5, अभी अपने स्क्रीन पर आप जिस पिक्चर को देख रहे हैं ये कुछ और नहीं बल्कि ताजमहल की है, जिसे बांस के इन डंडों से ऐसे कवर कर दिया गया है। नहीं, ये पिक्चर इसके निर्माण कार्य के समय की नहीं है, बल्कि इस पिक्चर को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लिया गया था। असल में ताजमहल अपने सफेद रंग की वजह से रात के समय में भी काफी दूर से एकदम साफ साफ चमकता हुआ दिखाई देता है, और ऐसे में इसे जापान के हवाई हमले से बचाने के लिए बांस के इन डंडों से कवर कर दिया गया था, ताकि हमले के समय ये दुश्मन के विमानों को नजर न आए। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, इसके बाद भी कई बार लड़ाई के समय सरकार द्वारा ताजमहल को यूं ही कवर करवा दिया जाता था। नंबर 6, मोबाइल फोन के साथ हमारा लगाव इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि आज के समय में यदि किसी इंसान का फोन खो जाए तो उसकी घबराहट की सीमा इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस समय वो ठीक उतनी ही चिंता करने लगता है जितने की एक व्यक्ति अपनी मौत के समय के वक्त कर रहा होता है। तो दोस्तों, इसीलिए मोबाइल फोन नाम की इस बीमारी की बुरी लत से बचकर ही रहे। नंबर 7, दोस्तों आपने भी अक्सर देखा या फिर सुना होगा कि गाड़ी चलाते समय उसका अचानक टायर से फट गया, और ऐसे किस्से ज्यादातर इंडिया में ही सुनने को मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि इंडिया की टायर बनाने वाली कंपनियां इन टायर की क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं देती, बल्कि ऐसी घटनाओं के पीछे के जिम्मेदार हम लोग खुद ही हैं। दरअसल जब टायर सड़कों पर चलते हैं तो उनमें गर्मी होने के कारण हवा का प्रेशर बढ़ने लगता है। इसी वजह से टायर बनाने वाली कंपनियां इनमें सिर्फ और सिर्फ 25 PSI की हवा भरने की ही सलाह देती है, लेकिन ऐसा करने से उस गाड़ी की एवरेज में थोड़ी बहुत कमी आने लगती है। और हम भारतीयों को तो बस पैसा बचाने की तलब है, जिसके चलते अधिक एवरेज निकालने के लिए हम उन टायर्स की हवा को 35 PSI तक भी भर देते हैं, जिससे कि हाईवे पर चलते समय टायर गर्म होने के बाद उसमें और हवा इकट्ठा होने की जगह नहीं बचती, और नतीजतन टायर फट जाता है, जो हाईवे पर अक्सर बड़े हादसों का कारण बनता है। नंबर 8, अब इस आदमी से मिलिए जिनका नाम है पॉल कैन। ये एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी जिंदगी के 63 साल बिना सोए गुजार दिए। दरअसल 1915 के दौरान जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय पॉल हंगरी की सेना में एक सिपाही के तौर पर तैनात था, और लड़ाई के दौरान एक गोली आकर सीधा इसके माथे के बीचों बीच में लगती है। डॉक्टर द्वारा उसके माथे के बीचों बीच में लगी उस गोली को तो निकाल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस हादसे के बाद पॉल को फिर कभी नींद नहीं आई। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो कभी भी सो नहीं पाता। डॉक्टर ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो पॉल की जल्द ही मौत हो जाएगी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसने बिना ऐसे सोए 63 साल निकाल दिए। साइंटिस्ट्स आज तक इस रहस्य को सुलझा पाने में नाकाम है कि आखिर कोई इंसान ऐसे बिना सोए इतने सालों तक जिंदा कैसे रह सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना।